आज हम बनाएंगे बिना तेल के इंस्टेंट अचार, जो कि आपने शायद ढाबे या फिर होटल में जरूर खाया होगा। इस अचार को बनाने के लिए हम जो भी सामान इस्तेमाल करेंगे वो आपको घर पे मिल जाएगा, और ये इतना आसान और इंस्टेंट है कि आप अभी बनाएं और अभी खाना शुरू कर दें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आज यूज़ किया है नींबू, तो आप देख सकते हैं 7 से 8 नींबू हैं, बड़े साइज़ के अच्छे क्लीन नींबू हैं। 3 गाजर यूज़ किए हैं, ऑरेंज या रेड जो भी मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च हैं, और यहाँ पर है लहसुन, और लहसुन जो थोड़ा बड़ा था मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और जो छोटे थे उनको मैंने अलग रख लिया है। इन सब्ज़ियों को मैंने अच्छे से धो के पोंछ लिया है, तो अब हम सब्ज़ियों को काट लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखा देती हूँ। तो लहसुन को आप क्या करें, जो बड़े पीसेज हैं उनको इस तरह से काट लें, बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने हैं। और ये जो नींबू है आप इसको बीच से इस तरह काटें एक बार, और एक बार हम इसको इस तरह से काटेंगे, मतलब एक नींबू के आप 4 टुकड़े कर लें और बाद में आप इनके बीजे हटा दें। जो मिर्च है आप उसको बस थोड़ा सा बीच से इस तरह से कट लगा दें, और ये जो डंठल है हम इसको हटा देंगे। और ये जो गाजर है हम क्या करेंगे, इसको बीच से कट लगाएंगे, और बस हमें इसके मोटे मोटे टुकड़े ही रखने हैं, बहुत छोटे या बारीक मत करिएगा, क्योंकि बाद में ना हम इनको बॉईल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और फिर अचार में खाने में ना क्रिस्प नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, एक गाजर के मैंने करीब 8 टुकड़े कर दिए हैं। तो बस इसी तरह से मैं सारी सब्ज़ियाँ काट के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, सब्ज़ियों को काट के मैंने तैयार कर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये अचार ना बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा कि कॉर्नफ्लोर का यूज़ हो अचार में। तो ये देखिए, सारी तैयारियाँ हो गई हैं, चलिए फटाफट इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए आप कोई भी पैन ले लें और इसको एकदम धीमी आँच पर रख दें, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया या खड़ा धनिया जिसको कहते हैं, 1 टीस्पून पीली सरसों, 1 टीस्पून राई के दाने, तो पीली सरसों नहीं है तो आप 2 टीस्पून राई के दाने भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, मेथी दाना थोड़ा कड़वा होता है इसलिए कम यूज़ होता है, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी तोड़ के 1 तेज़पत्ता। गैस की फ्लेम को एकदम धीमे रखना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और 3 से 4 मिनट तक धीमी आँच पर रोस्ट कर लेना है। तो रोस्ट करने से क्या होता है ना, मसाले जो है बहुत फ्लेवरफुल हो जाते हैं, मतलब उनका जो एसेंस होता है वो खुल के आता है अचार में। तो बस इसी तरह से चलाते हुए धीमी आँच पर आप रोस्ट कर लें। तो ये देखिए, हमारे मसाले ना हल्के हल्के से पॉप होना शुरू हो गए हैं। इस टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये तवा अभी बहुत गर्म है, तो हम इन मसालों को 1 मिनट तक इस गर्म तवे पर और भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारे मसाले एकदम ठंडे हो गए हैं, तो बस अब हमें इनको एकदम दरदरा सा पीसना है। तो ये देखिए, मैंने मसाला पीस लिया, और आप देख सकते हैं कितना दरदरा मसाला है, मतलब कोर्स मसाला पीसना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। तो ये जो अचार का मसाला मैंने बनाया है ना, ये आप बना के स्टोर करके रख सकते हो, और कोई भी अचार आपको डालना हो ना तो ये अचार का मसाला उसमें यूज़ किया जा सकता है। और अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, तो आप आरओ का पानी यूज़ करें या फिर पानी को उबाल के ठंडा करके फिर यूज़ करें। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए गाजर, इसमें डाल देंगे कटे हुए नींबू, साथ में जाएगा ये मिर्ची और लहसुन, और अब हम इस पर ये मसाला डाल देंगे जो कि हमने तैयार किया था। तो ये पूरा का पूरा मसाला इसमें डाल सकते हैं हम, इनको हम अच्छे से मिला देंगे। तो बस सब्जियों को देखिए आप, मैंने मिक्स किया है, और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पर करीब 4 स्पून नमक डाला है इस टाइम, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और भी नमक डालूँगी। नमक को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप विनेगर। तो ये सफ़ेद सिरका है जो कि आप अक्सर चाउमीन बनाने में यूज़ करते हैं, आराम से बाज़ार में मिल जाता है। इससे क्या होगा, अचार में बहुत अच्छा खट्टापन आएगा और ये प्रिजर्व भी हो जाएगा। और इसको डाल के भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे फुल कर देंगे, और बस 4 से 5 मिनट तक सब्ज़ियों को विनेगर और पानी के साथ पकने देंगे। और बस अब आप क्या करें, इस तरह से देख रहे हैं ना, आप स्पैचुला से सब चीज़ों को अच्छे से पानी में दबा दें, जिससे कि जो मसाला है ना वो सारी सब्ज़ियों में अच्छे से अंदर तक चला जाए, और सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से स्पाइसी हो जाएं। तो ये देखिए, सब्ज़ियों को मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट ही पकाया है, आप देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर जो कि हमने तैयार किया था, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कॉर्नफ्लोर,
और इसको मिला देंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, ये ना अचार एकदम अच्छे से थिक हो जाएगा और इसमें ना एक हल्की सी स्लरी टाइप आएगी। तो अगर कभी आपने होटल या ढाबे पे इस तरह का अचार खाया होगा ना इंस्टेंट वाला, तो उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल ऐसा ही आएगा, और उसका जो टेक्सचर होता है ना वो कॉर्नफ्लोर की वजह से थोड़ा सा स्टिकी सा आता है। तो बस हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ऐसा ना हो कि एकदम अचार जो है बिल्कुल थिक हो जाए और टेस्ट में फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी देख रहे हैं ना जो पानी पानी है ना, अभी हम बस इसको 3 से 4 मिनट तक जब और पकाएंगे तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें जिससे कि मसाला ना अच्छे से हर चीज़ में अंदर तक चला जाए। तो अचार को मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट तक और पकाया है और आप देख सकते हो ना, ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया अभी से ये। तो क्योंकि अभी ना ये सब बहुत गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना अपने आप थोड़ा थोड़ा और पकता जाएगा और हमारा अचार भी काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको इसी पैन में छोड़ देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो अचार को मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और आप देखिए एकदम ठंडा हो गया है और ये देखिए एकदम गाढ़ा भी हो गया है। तो बस इसी तरह का रहना चाहिए, इसमें ना थोड़ा सा जूस रहना चाहिए, नहीं तो ये खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। और आप ना इस टाइम इसमें नमक टेस्ट कर लें, नमक ना हल्का सा चढ़ता हुआ होना चाहिए तभी अचार खाने में अच्छा लगता है। आप इसको स्टोर कर लें किसी भी साफ़ और बिल्कुल ड्राई कांच के जार में, या फिर आप प्लास्टिक के जार में भी स्टोर करके रख सकते हो, तो आप इसको तुरंत भी खा सकते हो। पर इसका जो असली टेस्ट है ना वो 8 से 10 दिन बाद आता है। इसमें ऐसे हमें धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारा विनेगर का यूज़ किया है और नमक का यूज़ किया है, वो इसके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो जितना लंबा टाइम तक आप इसको रखेंगे ना उतना ही ये टेस्ट में बेहतर होता जाएगा और उतना ही स्वाद इसका बढ़ता जाएगा। तो ट्राई करके देखिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।